बड़े सरकार की जगह राजा बन बैठी है ना, उसके पास तो आपसे बात करने तक की फुर्सत नहीं और ना ही आपके आदेश का पालन करने की। अरे आ बैठो। अहिल्या ने कहा है वो अब भी नहीं आ सकती। खाने के समय ही मिलेगी हमसे। काम ज्यादा होगा आज, कोई बात नहीं, खाने पर आएगी तब मिल लेंगे उससे। आप उसे एक बार फिर कह देना कि हम सब उसका रास्ता देख रहे हैं, ठीक है? अब समझ में आएगा अहिल्या को, जब एक बहू घर के कामकाज भूलकर राजपाट के सपने देखने लगे ना तो क्या होता है। रखमा, बड़ी रानी साहिब से क्या कहा तुमने? वही जो अहिल्या ने मुझसे कहने को कहा। और रसोई घर में घर की औरतों के बीच क्या बातें होती हैं, ये सब जानने का शौक आपको कब से हो गया? शौक नहीं है मुझे, लेकिन तुम्हारा चेहरा मैं अच्छे से पढ़ना जानता हूँ। जब अहिल्या ने तुमसे कहा कि वो नहीं आ पाएगी, बड़ी रानी साहब को बता देना, तब तुम्हारे चेहरे पर एक अजीब सा भाव था, और अब रसोई से बाहर आते हुए भी जैसे कि तुम्हें इंतजार है कि बड़ी रानी साहब अहिल्या पे नाराज हो जाएंगी, और तुम यही चाहती हो। मैं ऐसा क्यों चाहूंगी भला, फिर दुश्मनी थोड़ी है मेरी अहिल्या के साथ। मैंने रानी साहब से वही कहा जो अहिल्या ने मुझसे कहा, कि वो नहीं आ सकती, बस। और काम कितना जरूरी है, नाना साहब का संदेश आया है, ये नहीं बताया? देखिए, आप सब दरबार में क्या करते हैं, क्या बातें होती हैं, मैंने तो कभी नहीं पूछा आपसे। फिर आप घर के मामलों में क्यों उलझ रहे हैं? अब कह तो दिया मैंने रानी साहब से कि अहिल्या नहीं आ सकती, व्यस्त। अब कैसे कहा, कितने शब्दों में कहा, किसे याद है? जैसा कि आपने कहा था, ये विद्वान हमारे साथ है, और सिर्फ मालवा ही नहीं, पूरे हिंदुस्तान का नक्शा और हर जगह की भौगोलिक स्थिति के बारे में अच्छी खासी जानकारी है इन्हें। नमस्कार। पर छोटी रानी साहब, आप करना क्या चाहती हैं? काशी तक पहुंचने के लिए एक दूसरा रास्ता खोजना है हमें गंगोबा काका, और अगर रास्ता नहीं मिला तो नया रास्ता बनाना है। हक्का साहब, हमें तो बहुत भूख लग रही है, और बाकी सब लोग भी और कितना इंतजार करेंगे? इतने उत्साह से मंगला गौरी की तैयारियां शुरू की थी, अब तो वो उत्साह भी ठंडा पड़ गया। चार चार सासुओं को इंतजार करवा रही है ये लड़की, ज्यादती नहीं है? एक बार फिर देखाओ ना, अहिल्या कब आ रही है। Thank you.
अब से काशी जाने के लिए दूसरा रास्ता मिल गया है हमें। कच्चा रास्ता होगा पर यात्रा करना कठिन नहीं होगा। रास्ता मिल गया है तो उसे ठीक भी करवा सकते हैं और यात्रियों की सुविधा का इंतजाम भी हो सकता है। लेकिन ये सब तो बाद की बात है, अभी के लिए काम हो गया है हमारा। आप दोनों की मदद से बहुत बड़ी चिंता दूर हो गई। गंगूबा काका, अब आचार्य जी से कह दीजिए कि शाम के भोजन के बाद वो काशी के लिए रवाना हो सकते हैं। और वो जब इस पहाड़ी इलाके में पहुंच जाएंगे तब तक तो सुबह हो चुकी होगी, इसलिए शाम को वो किसी गांव के सराय में या फिर धर्मशाला में रुक जाएंगे। फॉर मोर अपडेट्स सब्सक्राइब टू आवर चैनल, क्लिक द शो लिंक्स एंड एंजॉय वॉचिंग द वीडियोज़।